मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, ईश्वर मेरा विश्वास सही है, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं आए दिन लगातार देख रहा हूँ और उसे हृदय छलनी हो जाता है। हमारे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, मंदिर में चले गए मूर्ति छू दी उस पर हत्या की जा रही है, घड़ा छू दिया उस पर निर्ममता से हत्या की जा रही है। और कोई ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना गृहमंत्री जी बोलते हैं, ना देश का कोई बड़ा नेता बोलता है। आए दिन उत्पीड़न, और ऊपर से जो हर साल अशोक विजय दशमी पर 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली इसी जातिगत उत्पीड़न भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत से मुक्त होने के लिए, और पूरे समाज के लाखों न्यायियों को दीक्षा दिलाई, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार ने, खुद मोदी जी की सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में खुद छपवाया अपने साइन से, अपने सिग्नेचर से। मैं ये पूछता हूँ कि बीजेपी इसके लिए दोषी है, जिन 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 प्रतिज्ञाओं को, 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने दिया, हमने दोहराया, उसी को आप बड़े बड़े पोस्टर पर छाप के लगा रहे हो। आप आहत नहीं कर रहे हो क्या? आपको शर्म नहीं आती? हर अशोक विजय दशमी पर हर साल हजारों जगह पर करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं, और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार छापती है। दीक्षा भूमि में नागपुर में वही प्रतिज्ञा शिलालेख पर लगाकर खुद हमारी इस भारत सरकार ने छापी है। आप शपथ ले, फिर इनको दिक्कत क्या है? मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे इतना सम्मान दिया और सहयोग दिया अच्छी योजनाएं बनाने में, चाहे वो जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई हो, चाहे वो सीवर सफाई की मशीनें लाने वाला, सीवर में अंदर दिल्ली में उतरने पर रोक लगाने वाला मसला हो, तो जिन्होंने इतना मुझे सहयोग दिया, सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है मेरी पार्टी का, इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है, और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसमें शामिल हूं बाबा साहब के सिपाही होने के नाते, और वह राजरतन जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई और सबने दोहराई है, हजारों लोगों ने दोहराई है, और पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूं।